हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट होने वाली है मुंबई टू जयपुर, और ये रोड ट्रिप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो जयपुर जाने वाले लोग हैं, क्योंकि आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए एक्सप्रेसवे से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, जो कि है मुंबई एक्सप्रेसवे। उससे हम अपने लगभग 2 घंटे तो सेव कर लेंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हम मुरादाबाद से जयपुर जा रहे हैं तो कम से कम 5 घंटे में तो यार हमारा अराइवल होना चाहिए। तो देखते हैं कि वहाँ पर कितने टोल पड़ते हैं, क्या स्पीड लिमिट है, और भाई एक्सप्रेसवे कैसा है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये कि अगर ऐसे कोई शो आप देखते हो तो यार वहाँ पे छोटे बच्चे लेके बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये जो लेज़र लाइट्स है ना, छोटे बच्चों की आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, उनको अंधा भी कर सकती है। अगर आपने कंटिन्यूसली फ़ोन से अगर आपको 15-20 मिनट रिकॉर्ड कर लिया तो आपके कैमरे की आई से भी फूक सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे इस ब्लॉग। जितना ही खूबसूरत एक्सप्रेस वे उतना डेंजर भी है। अगर आपको ड्राइव करते हुए सोने की आदत है तो इस एक्सप्रेस वे पर बिल्कुल भी गाड़ी मत चलाइए। पीछे मेरे दोनों दोस्त सो चुके हैं और ये एक्सप्रेस वे नया था, तो मैंने सोचा कि मुझे ये स्टडी करनी चाहिए। तो मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ कि इस एक्सप्रेस वे के ना 2 ड्रॉबैक हैं। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि अगर आपकी गाड़ी 100 से नीचे हुई तो आपके एक्सीडेंट होने के 200% चांस है, और आपको इस एक्सप्रेस वे पर अगर आप नए हो तो आपको नींद भी आ सकती है। दूसरा ड्रॉबैक है यहाँ के रेस्टोरेंट्स की क्वांटिटी बहुत ही कम है, क्योंकि पूरे एक्सप्रेस वे पे मेरे को लगभग 3 रेस्टोरेंट्स ही मिले, सिर्फ हल्दीराम, मैकडी और एक पिज़्ज़ा हट। अगर आप हैं रोड ट्रिप पे खाने के भूखे तो प्लीज़ इस एक्सप्रेस वे पे आ रहे हो तो ये माइंडसेट बना के आइए कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बहुत ही कम मिलेंगे। अगर आपको पहले ही रेस्टोरेंट मिलता है तो वहाँ से ही खाइए और अपना सामान लेके इस एक्सप्रेस वे की जर्नी को इन्जॉय। हम पहुंच गए खाटू श्याम जी के दरबार और यहां से एंट्री स्टार्ट होती है। अगर आप पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हो या फिर खाटू श्याम जी पहली बार आना चाह रहे हो या फ्यूचर में आना चाह रहे हो, तो मैं बताता हूं आपको कौन सी लाइन को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके दर्शन बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। देखो मेरे साथ बने रहो, आप कोशिश करना इन द फ्यूचर कि आप ना इस लाइन को फॉलो करके इस लाइन में लग जाओ, कैसे ना कैसे इस लाइन में लग जाओ, क्योंकि ये BBIP लाइन है और यहाँ से दर्शन बिल्कुल बहुत करीब से दर्शन होते हैं और बहुत इजी दर्शन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ का इस लाइन का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा सही है, नॉर्मल है, मतलब धक्का मुक्की नहीं होती है। नहीं तो दूसरी लाइन में लगोगे ना तो आपको फेंक दिया जाएगा उठा के। तो कोशिश करना कि आप इसी लाइन को फॉलो करो फ्यूचर में। हम VIP लाइन में चलो। हाँ 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 नहीं ये VIP लाइन। हाँ बिल्कुल Oh
मंदिर के दर्शन करने के बाद ना आपको कुछ स्टाफ ऐसे धक्का देगा जैसे कि आप कुछ हो ही नहीं, तो पहले से ही उस लोगों को वॉर्न कर देना कि हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपका फ़ोन भी गिर सकता है, कुछ चोट भी लग सकती है। मंदिर के बाद हमें यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, हमने खाया अपना खाना, क्योंकि दर्शन इतने खूबसूरत हुए थे यार कि सारी विशेष पूरी हो जाए, क्या ही मांगे, सब कुछ तो दिया हुआ है। लेकिन बस ये है कि बस हमें बार बार बुलाते रहे अपने दरबार में। और एक इन्फॉर्मेटिव और जानकारी देता हूँ कि यार आप नो पार्किंग में कभी भी गाड़ी मत खड़ी करना किसी के भी कहने से, नहीं तो आपके चारों टायरों की हवा निकाल देंगे, जिससे कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।